वेलकम टू द चैनल गाइस। अजय यार, आज का ब्लॉग होने वाला है, मैं और मेरा फ्रेंड सुनील हम लोग इसके स्कूटर पे जाने वाले हैं। आज है इधर संडे इवनिंग, तो संडे इवनिंग इधर मुंबई में सब लोग शॉपिंग के मूड में होते हैं, घूमने के मूड में होते हैं, तो हम लोग जो मेन लिंकिंग रोड है जिधर लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, वहाँ से हम लोग पास होने वाले हैं। हम लोग जाने वाले हैं बैंक स्टैंड की तरफ, और रास्ते में अगर कोई पेट्रोल पम्प आएगा, अगर इसको पेट्रोल वगैरह भराने का है तो उधर चलेंगे। तो ये भी व्लॉग में चलने दूंगा जितना चलता है, और मेरे को लगेगा कि ऐसे आपको नई चीज़ें दिख रही है तो फिर एनीवेज एंजॉय द व्लॉग। तो अभी हम लोग चालू करते हैं। लास्ट टाइम जब भी आया था हमेशा ऐसे ही होता था कि बॉस स्कूटर पे एक व्लॉग बने, तो सुनील अभी आज फ्री था तो उसने बोला चल, तो इसके लिए अपना काम हो गया, उसमें मज़ा आएगा आपको। बस ये टाइम हुआ है अप्रॉक्सीमेटली 4:30 बजे शाम के, और मस्त एकदम परफेक्ट टाइम है अगर मुंबई में आप हो, अगर आपको संडे इवनिंग को घूमने वगैरह निकल लेगा। तो ये भी सेम जो लिंकिंग रोड मैंने आप लोग को बताया था, ये भी लिंकिंग रोड ही है, पर जो मेन लिंकिंग रोड जहाँ लोग शॉपिंग वगैरह करते हैं, हम लोग अभी वो तरफ जाने वाले हैं। जस्ट सो यू नो, ये सब वीडियोस एकदम लेटेस्ट वीडियोस है, ऐसे नहीं है कि मेरे टाइमलाइन में चल रहा है। वो जो डेली वाला डेली लाइफ के जो ब्लॉग्स है वो अलग ही टाइमलाइन में चल रहे हैं। ये वाला मैं लिटरली ऐसे आज बनाऊंगा और आज ही अपलोड करने वाला हूँ। ये अपना मेन लिंकिंग रोड, तो अगर आपको कपड़े की शॉपिंग करने की है, बैग वगैरह लेने की है, तो आप इधर आओगे। बोल दो, मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि इससे ज़्यादा लोग होंगे यार। हाँ सुनी, हाँ संडे के हिसाब से ऐसे पब्लिक कम लग रही है। नहीं है, शाम को ही लोग निकलते हैं ना, अभी थोड़ा प्लान भी लगा हुआ तो गाड़ी आजकल अभी यहाँ पे ज़्यादा पार्क नहीं होती, क्योंकि लोग गाड़ी का फाइन भी इतना होता है, तो दे डोंट पार्क कर लो मेन लिंकिंग रोड। बराबर बराबर। वो तरफ देखो गाइस, वो तरफ एकदम जबरदस्त क्राउड है बस। तो ये नेशनल कॉलेज, इसके पीछे एक और कॉलेज है, उसका नाम है MMK, अभी तक है ना, सबसे पुराना कॉलेज नंबर वन नेशनल कॉलेज, आरडी नेशनल कॉलेज।
ये मेन एलन किंग रोड के शॉपिंग का हब। गाइस ये था मेन लिंकिंग रोड, अभी हम लोग जा रहे हैं बैंड स्टैंड की तरफ। राइट, पहले आएगा टर्नो रोड, जो वो दिन मैंने पान का जो वीडियो डाला था जिसमें सुनील पान के दुकान की फुल एडवर्टाइजिंग कर रहा था, तो पहले वो आएगा, फिर उसके थोड़ा आगे चल के बैंड स्टैंड। तो बैंड स्टैंड इधर जैसे काटर रोड है, बैंड स्टैंड भी वो जगह है जो ऐसे सी फेसिंग है, तो बहुत सारे जन इधर आते हैं। बैंड स्टैंड पे शाहरुख खान का घर है, उधर सलमान खान का घर है, तो बहुत सारे जन यू नो सब एक्टर्स के घरों के नीचे ऐसे खड़े रहते हैं कभी कभी, वो लोग एक्टर लोग आए लोग करते। तो एनीवेज हम लोग खड़े नहीं रहने वाले, पर एटलीस्ट वी विल पास बाय। देखो क्या मस्त से इतना ग्रीनरी है ना बॉस ये सिटी में, इवन दो इतनी बिजी सिटी है पर लेकिन ग्रीनरी बहुत है। धनराज डायमंड इधर एक और जगह है, उसका नाम है एल्को मार्केट। ठीक है, तो वो दिन जो मैं बोल रहा था हम लोग आए थे इधर पानी पूरी वगैरह खाने के लिए, तो वो मार्केट हम लोग क्रॉस करने वाले। ठीक, तो मेन एल्को मार्केट इधर लेफ्ट में है ना, आगे राइट में ही है। अच्छा सही है, तो आप लोगों को देखने मिलेगा, नहीं तो मैं इसको भूलने वाला था कि थोड़ा लेफ्ट ले सकता है। बस मज़ा आ रहा है यार, बॉम्बे का यही मज़ा है, बहुत सब दोस्त लोग के साथ यू नो घूमने फिरने मिलता है, नहीं तो बाहर की लाइफ को हम लोग खाली सब काम ही कर रहे हैं। तो क्योंकि अभी संडे इवनिंग है बॉस, ट्रैफिक बहुत मिलने वाली है। ऑल दो ये जगह पे याद रखना, इधर वैसे भी बहुत ही ज़्यादा ट्रैफिक होती, तो अभी समझो डबल या ट्रिपल होगी। राइट, इतनी होती बिग डे में भी नहीं, वीक डेज में थोड़ी कम होती है। अच्छा अच्छा, 7-8 बजे के बाद भी जब ऑफिस गोइंग क्राउड भी जाता है तो अच्छा होता ही है। सिग्नल के सब कैमराज वगैरह लगे हुए हैं, आप अगर सिग्नल छोड़ोगे आपको सीधा व्हाट्सएप पे मैसेज आ जाएगा फाइन के साथ 500 रुपया।
सुनील को मालूम है। हम लोग जहाँ पहुँच रहे हैं वो ऑलमोस्ट बांद्रा के एंट्रेंस के यहाँ पहुँच रहे हैं, तो इधर यूजली बहुत ट्रैफिक होती है बस और ज़्यादा ही। सलमान खान का बिल्डिंग है, चलते हैं। ये जो ब्राउन पर्दा जिधर आपको देख रहा है ये सलमान खान का घर।
इधर बहुत सारे जन आते हैं, फ़ोटोज़ वगैरह निकालते हैं बाहर बिल्डिंग के जो बिल्डिंग की साइन है, जिधर नाम लिखा हुआ है बिल्डिंग का, उधर आके सब लोग फोटोज़ वगैरह निकालते हैं। पर एनीवेज ये देखो गाइस, आउटडोर जिम बैंड स्टैंड का। और इधर यूजली ऐसे साइड में लोग जाके खड़े रह के ऐसे वहाँ बैठते हैं या जो भी यू नो वॉक वगैरह करने के लिए। बहुत मस्त व्यू है, बहुत। ऐसे पुरानी बिल्डिंग, इसमें से कोई बिल्डिंग में आपने ऐसे पुरानी मूवीज की ऐसे शूटिंग वगैरह होती थी। आज मैं फुल टूर गाइड बन गया। साइड पे किधर तो शाहरुख खान का घर है, आपको दिख जाएगा। लोग ऐसे यूजली वहाँ भी ऐसे खड़े रह के फोटोज वगैरह निकालते हैं। यही देखो लेफ्ट में आई थिंक ये वाइट वाला है। आपको मेन घर तो आपने देखा होगा इंटरनेट पे, मेन आपको पब्लिक दिखा रहा हूँ कितनी खड़ी है, क्योंकि यहाँ से ही दिख रही है इतनी पब्लिक। ये देखो गाइस, ये सब लोग खाली शाहरुख खान का घर देखने आए और भूख कर रहे हैं कि कहाँ से शाहरुख खान दिख जावे। आज तो कुछ शाहरुख खान का बर्थडे नहीं है, कुछ ओकेजन नहीं है, फिर भी इतनी पब्लिक, क्या बोला जावे। बस ये संडे है इसके लिए सुनील। हाँ, तो अभी हम लोग जा रहे हैं इसे ऊपर की तरफ, माउंट मेरी चर्च, ठीक है। तो ये बहुत फेमस चर्च है इधर बांद्रा का। तो कभी आप मुंबई आओगे तो यू वॉन्ट टू कम ऑन दिस, ऐसे अंदर की स्ट्रीट में आपको ऐसे मस्त रियल फील मिलेगा मुंबई के सबक के का। हम लोग चलते हैं माउंट मेरी चर्च के, अभी आप लोग को दिखा दो। बहुत सारे लोग इधर आते हैं, अपना सुनील भी इधर बहुत टाइम आता है, एवरी संडे। अच्छा, फोन आ गया सुनील का। सुनील का स्टाइल दिखाता हूँ बस, जैसे आपको दिख रहा है ये इसका फ़ोन कैसे मस्त हेलमेट के अंदर डाल के रख दिया इसने। तो ये देखो भाई, ये इधर माउंट मेरी चर्च। तो इधर लोग ऐसे कैंडल वगैरह बेचते हैं, ये यहाँ के सब छोटे छोटे मस्त शॉप है, उन्होंने एक लोग समझता है। तो आई थिंक हम लोग उतर रहे गए, दिखाना है ना। अच्छा, तो तू अंदर जाए कैंडल लेके। अच्छा, डाला? हाँ डाल।
है, चेंज है देखो तू ले ना सर, इतना बड़ा नोट मेरे पास है, चेंज मेरे पास है, मेरा सारी देंगे ना, ये ले सुनील, अरे ले ना चेंज ले ना, अरे तू ले यार, थैंक यू। तो बाहर से ही करेंगे, हाँ उधर डालेंगे। अच्छा ऊपर से हो गया तेरा प्रेयर। तो अभी बैंड स्टैंड से वापस काटोस काटोस, हाँ वापस हम लोग बैंडस्टैंड की तरफ जा रहे हैं, अभी वो जहाँ से ऐसे ऊपर आए थे वहाँ से नीचे चलो, और फिर वहाँ से काटर रोड, ठीक है काटर रोड तक ये ब्लॉग चलने देता हूँ और फिर मैं एंड करूँगा। लास्ट टाइम जब ये काटर रोड पे वीडियो बनाया था वो टाइम पे सुबह के टाइम पे मैं रन कर रहा था तो इतनी पब्लिक थी नहीं, ये संडे इवनिंग का आपको मज़ा आए। देखता हूँ अगर ये ब्लॉग लगेगा एक साथ में अपलोड कर सकता हूँ तो करूँगा, अगर लगेगा दो तीन पार्ट बनाने के, पर एनीवेज देखता हूँ डिसाइड करता हूँ। और ये टाइम ये सब वीडियोस मैं बना रहा हूँ 2.7K में, तो YouTube पे जब भी अपलोड होता है वो 4K में अपलोड हो रहा है, पर एनीवेज आप व्यू देखो मस्त मज़ा आ रहा है। यहाँ से आपको पानी का व्यू दिख रहा है, दोस्त
दोस्त है विशाल, उसका फ्रेंड बिल्डर है इधर, वो बिल्डिंग बना रहा है इधर। फुल मुंबई टूर हो रहा है बॉस, नेक्स्ट लेवल पे। पब्लिक जमा है शाहरुख खान के घर पर, आप इमेजिन करो जब भी शाहरुख खान का बर्थडे था तभी क्या लेवल पे हुआ है गाइस। ज़्यादातर ये वाला थंबनेल में यूज़ कर रहा हूँ। सुनील रोक रहा है, रोक रहा है क्या? मुंबई टूर ऑन अ स्कूटर, ये अपना टाइटल है। तो यूजली कोई गाड़ी आएगी तो उसको संभाल लेंगे, किसका मूड खराब हुआ तो क्या बोल रहे हैं इधर डाल लेंगे दूसरों के। क्या रोक रहा है क्या? तो ये देखो सब नो पार्किंग वाली गाड़ियाँ सब तो हो रही है। कितना है फाइन? 450 रुपया अगर 750 रुपया अगर आप नो पार्किंग में स्कूटर पार्क करोगे तो फाइन लगेगी। तो ये अभी हम लोग निकल रहे हैं बांद्रा से, तो एक तो बस क्वाइट फ्रेंकली मैं ब्लॉग इधर एंड कर देता था, पर लेकिन बांद्रा से काटर रोड जाने की जो गली है ना अंदर अंदर की मस्त व्यू है, बहुत आप लोग को बहुत अच्छा लगेगा। पर लेकिन यहाँ से निकलने को अपने को थोड़ा टाइम लगेगा क्योंकि नहीं तेरे वे में आ रहा हूँ तो बताना। तो अभी यहाँ से हम लोग बैंड स्टैंड से काटर रोड की गली में आ रहे हैं। इधर भी आई गैस ये एक चर्च है,
बहुत मस्त लगेगा आप लोगों को, बहुत सस्ते पतली पतली गलियाँ, सब मस्त पुरानी पुरानी बिल्डिंग, बहुत अच्छा लगता है देख के बहुत। एक एक घंटा पिक्चर देखने से अच्छा तो ऐसे टाइप के ब्लॉग में मज़ा ही अलग है बॉस। आप लोग को ऐसे एकदम रॉ प्योर कंटेंट, यू नो, चाहे वो किसी का भी हो, आई एम नॉट सेइंग, लेकिन इससे क्या आप कुछ नई चीज़ देखने मिलती है, कोई एक जगह को फील करने मिलता है, बस मज़ा ही अलग है। में से जो जो ये ब्लॉग पूरा देखेगा मेरे को बताना पड़ेगा, या देखोगे इन्हों तो ऐसे ही आइडिया आएगी कि एटलीस्ट कुछ जनों ने देखा हो, मज़ा आया कि नहीं, नहीं बताना। हम लोग आगे काट रोड के एंट्रेंस में दिख जाएगा, तो इधर अगर लाइव बैंड चल रहा, अरे वो लोग मालूम है शाम को प्ले कर रहे म्यूजिक, चलते हो इधर ही, वो लोग बैठते पूरा ग्रुप आता है बहुत, और वो लोग मस्त साथ में तबला वबला क्या क्या तो बजाते, बहुत मस्त फीला। दिन के कंपेयर में ये वाला वीडियो नेक्स्ट लेवल पे होना चाहिए बस, क्योंकि इतनी पब्लिक है, सब लोग प्यार मोहब्बत कर रहे हैं। तो जो मैं बोल रहा था, लोग इधर ऐसे लाइव म्यूज़िक बजाते, तो लास्ट टाइम मैं जब भी आया था वो हम लोग ने जो क्रॉस कर लिया उधर ही था, पर मैं देखा तो नहीं किसको, तो मे भी आज नहीं आए वो लोग, आई वो श्योर कि एवरी संडे वो लोग विदाउट फेल आते। तो ये काटो रोड बस अभी ऑलमोस्ट एंड होने वाला है, यहाँ तक चलने देता हूँ, फिर उसको एंड कर डाल। वसूल ब्लॉग है, अरे खाओ वाली के यहाँ से चलते, खाओ वाली दिखा देता हूँ आपको बस, मैं इतना टाइम बोला है मेरे वीडियो में रन करते करते,
सर मेन वो खाओ गली ऐसे क्या मेरे को पब्लिक दिखाने का ना। एक सब्सक्राइबर ने वो दिन मैसेज दिया था कि इधर का ब्लॉग बनाने के लिए, अभी मेरे को कॉफ़ी पीने के लिए हम लोग को टाइम तो है नहीं, पर एनी वेज आप देख लो जगह है। ऑल दो पब्लिक इतनी है नहीं, अभी वो मॉडलिंग कर रहे हैं कोई कर रही है, तो ये खाओ वाली रात के टाइम पे बहुत बिजी होता है। गाइस ब्लॉग इधर एंड कर रहा हूँ, ठीक है। तो थैंक्स टू सुनील अपना ये ब्लॉग बनाया आज, तो अगर तू बाय बोल सकता है बाय बाय, थैंक यू। ओके गाइस विल सी ऑल नेक्स्ट टाइम, बताना कैसा लगा ब्लॉग और आप में से किन किन लोगों ने एक्चुअली पूरा देखा। ठीक है, बाय बाय।